तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं तमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत अभ्यास प्रश्न पत्र जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है क्लास नाइन्थ के लिए, जिसका अधिकतम अंक 40 है 17/2023-24 के लिए, तो ये लेकर के उपस्थित हूँ। ये लगभग उसी तरह से बनाया गया है जिस तरह से आगामी पेपर में आने वाले हैं। तो आइए सवाल को देखें। यहाँ पे कह रहा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, तो संख्या रेखा पर हम परिमेय और अपरिमेय को दोनों को दर्शाते हैं और सबका मान अपना अपना होता है सबका, तो अद्वितीय वास्तविक संख्या को, क्योंकि हम जानते हैं जो कि हम उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, किसको, परिमेय और अपरिमेय के जोड़ को, युग्म को, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा यदि मिलाते हैं तो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो ये हो जाता है इसका ऑप्शन ए सही। अब कह रहा निम्नलिखित में से त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम कौन सा नहीं है, तो ये देखिए एस ए एस भी जानते हैं, ए एस ए भी जानते हैं, एस 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 भी जानते हैं, ये एस एस ए जो है वो सही नहीं है। तो ये ऑप्शन आ गया आपका सही, एस एस ए। यहाँ पे कह रहा है जो एक्स प्लस टू इसका गुणनखंड है, तो एक्स प्लस टू इसका गुणनखंड है, तो एक्स बराबर में मतलब जीरो रख देने पर एक्स प्लस टू बराबर में जीरो रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस टू, इसका शून्यक हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो यानी एक्स बराबर माइनस टू रखते हैं तो ये जीरो आ जाना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 14, तो एक्स बराबर माइनस टू रखने पर जीरो होना चाहिए। तो यानी क्या हो जाएगा, तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस के और माइनस टू प्लस 14 इजकल टू जीरो होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते तो ये माइनस टू का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस में 2k प्लस 14 इजकल टू जीरो, तो 2k इजकल टू हो जाएगा माइनस 18, तो k इजकल टू माइनस 18 अपॉन में 2, तो यानी माइनस 9 इसका सही आंसर हो जाएगा, माइनस 9। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे पी एम की लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पी एम ये रहा, तो इसकी लंबाई कह रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है ये कोण इसके बराबर है, और यहाँ पे पहले देखिए इसमें देखते हैं ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो और ये 5 है ये 3 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 90 है और ये 5 दिया हुआ, अब ये 3 दिया हुआ है, तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यानी इसको सॉल्व करने के बाद आता है 9, 25 में से 9 गया तो 16, 16 का वर्गमूल 4, तो ये हो जाएगा 4। अब इसकी सर्वांग समता पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा बराबर है। अब देखिए दो कोण बराबर होता है तो ये भी कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दिया हुआ मान लीजिए जो एक्स है ये भी ये 90 है, तो ये तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90 180 होता है तो 90 माइनस एक्स ये भी हो जाएगा, और यहाँ भी ये एक्स है ये 90 है तो ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो ये और ये कोण बराबर हो गया, और ये आपको उभयनिष्ठ दिया हुआ है, ये और ये बराबर है, तो इस तरह से ए ए ए समरूपता से ये क्या हो गया, ए एस ए से सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया, तो इसका मतलब ये बराबर में ये हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू हमने 4 निकाला है, तो इस तरह से ये 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब एक अगला सवाल कह रहा है किसी सतत बारंबारता विवरण में किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह जो होता है 15 है, और ये वर्ग चिन्ह 15 है, निम्न वर्ग सीमा
13 है। तो उच्च वर्ग सीमा, तो देखिए ये जानते हैं जो जैसे ये 10 प्लस माइनस 15 और इस दोनों को जोड़ते हैं तो 2 आता है। तो इसी तरह से मान लीजिए 13 प्लस एक्स बटे 2 बराबर में 15 होना चाहिए। तो 15 दुनी 30 हो गया, तो 13 और प्लस एक्स बराबर में 30, तो एक्स बराबर में इसको घटाएंगे तो 17 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, नेक्स्ट जो इसके बहुपद का मान क्या होगा, बहुपद इसका एक्स बराबर माइनस वन हो तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू माइनस वन रखे तो 5 माइनस 1 माइनस 4 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, जिसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5 और ये स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 3 तो ये माइनस 9 प्लस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 6, जो कि सही आंसर ए दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इसमें पी ओ आर और आर ओ क्यू का ये कौन सा युग्म बनाता है। तो ये देखिए ये कहलाता है रैखिक युग्म। अगला सवाल कह रहा है पी एक्स में बहुपद पी एक्स बराबर 6x-1/17 एक रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ये होता है, ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। अब अगला सवाल आपसे कह रहा है, यहाँ पे इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 5√3, एक बार लिख ले 3 और रूट 12 है तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 लिखा जा सकता है इसको। फिर 2 और 75 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 × 5 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5√3 और ये माइनस 3 और इधर से 2 निकल आया तो 2√3 और इसी तरह यहाँ पे 2 है और एक 5 बाहर आ जाएगा तो और √3। तो इस तरह से हो जाएगा 5√3 − 6√3 और प्लस में 10√3, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा 15√3 − 6√3 तो इक्वल टू 9√3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 2 संपूरक कोणों का अनुपात 2:7 है। तो माना कि कोण जो हो जाएगा कोण 2x तथा 7x है, संपूरक में चाहिए 180 डिग्री। तो संपूरक के लिए होना चाहिए 2x + 7x = 180 डिग्री। तो ये 9x बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री, तो x बराबर में हो जाएगा 180/9, जो भाग देंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार कोण है, अब एक तो 2x था तो 2×20 तो 40 डिग्री और 7×20 यानी 140 डिग्री ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक ही रेखा पर लंबवत 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जिस प्रकार है ये है L, ये है M, ये रेखा की तरह और रेखा की तरह ये N है। कह रहा है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कह रहा है सवाल एक ही रेखा पर लंबवत 2 रेखाएं, रेखाएं N पर M तथा L लंबवत है। अब देखिए ये और ये 90 डिग्री है, तो इस तरह से
यहाँ पे कोण एक और कोण दो, कोण एक बराबर में कोण दो बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो और हम जानते हैं, ये भी हम जानते हैं जो कि कोण एक प्लस कोण दो बराबर में क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। तो यानी एक ही ओर के दो अंतःकोण का युग्म। अब ये देखिए, एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग एक सौ अस्सी डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होगी। ये लिखना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्स बराबर में 4/3, इसका एक शून्यक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शून्यक के लिए 0 होना चाहिए। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 6x³ - 11x² प्लस kx - 20, और x बराबर में 4/3 एक शून्यक है। तो f 4/3 जो होना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4/3 रखिए। तो 6 हो जाएगा, 6 × 4/3 गुने मतलब क्यूब करेंगे तो 4/3 × 4/3 और -11 × 4/3 × 4/3 प्लस k × 4/3 और -20 = 0 होना चाहिए। अब देखिए, कुछ कट सकता है तो 3 × 2 = 6 होता है, तो 4 × 16 दिया 48, 48/9 माइनस 11 × 44 को 4 से करेंगे गुना, तो 4 × 16 और 4 × 16 और 1 × 17 176/9। यहाँ पे भी 4 × 16 × 64 को दुनी करेंगे, 64 × 2 128 होगा, 128, 4 × 4 = 16, 64 × 2 128 और यहाँ पे 176 हो गया। और प्लस में 4 k/3 - 20 = 0। अब एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 128 - 176 प्लस 4 × 4 = 12 k और -20 = 180 = 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये प्लस का है, तो 128 माइनस इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 356 और प्लस 12 k = ये 0 हो जाएगा। 0 को 9 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसमें से घटाते हैं तो 228 आएगा आंसर। -228 प्लस 12 k = 0, तो 12 k = 228, तो k = 228/12। तो 12 से देखे कट सकता है क्या, 12 × 12 = 10, 12 × 108 होता है, तो k की वैल्यू हो गया 19 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड बराबर में 64 डिग्री है। तो देखिए, ये एक्स वाई जेड है और एक्स वाई को पी तक बढ़ाया जाता है। ये
ये इस तरह से पी तक बढ़ाया जाता है। यहाँ पे इस तरह से हो गया, यहाँ पे देखिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये दिया हुआ है 64 डिग्री, इसको पी तक बढ़ाया गया। तो कह रहा है किरण वाई क्यूब एक्स वाई पी को समद्विभाजित करती है, जेड पी जेड वाई पी, जेड वाई पी को एक किरण जो इसको समद्विभाजित करती है। यहाँ पे एक किरण है जिसका नाम क्यू रखा गया है, तो ये समद्विभाजित करती है ये, और ये दोनों बराबर है। तो हमें कह रहा है एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती वाई क्यू वाई पी, तो यानी एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी ये कोण निकालना है और क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो ये देखिए ये 64 डिग्री दिया हुआ, तो ये रैखिक युग्म हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इजकल टू 180 डिग्री हो जाना चाहिए, और जेड वाई पी बराबर में 180 डिग्री, और ये 64 दिया हुआ है। तो इस तरह से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 116 डिग्री, इसकी वैल्यू 116 हो गया। लेकिन हमें ये भी दिया हुआ है जो समद्विभाजक है, तो ये हो जाएगा जेड 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 वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू प्लस में क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इजकल टू 116 डिग्री, और ये दोनों बराबर समद्विभाजित करता है, तो जेड वाई क्यू बराबर में हो जाएगा 116 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 58 डिग्री, तो ये हो जाएगा 58 डिग्री। तो इस तरह से आपका तो ये 58 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं जेड वाई क्यू को, एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू बराबर में क्या हो जाएगा। देखिए एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, तो ये तो दिया हुआ है 64 प्लस में 58 डिग्री, तो इस तरह से हो जाएगा 8 4 12, 5 4 9, 6 5 11, 1 12, 122 डिग्री। और प्रतिवर्ती को क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण जो हो जाएगा क्यू आई पी का प्रतिवर्ती कोण कह रहा है, तो यह हो जाएगा 360 माइनस में 58 डिग्री, तो जो घटाएंगे तो यह हो जाएगा 302 डिग्री आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, तो देखिए 2 का पावर 38 प्लस 2 का पावर 37 प्लस 2 का पावर 36, और यहाँ पे 2 का पावर 39 प्लस 2 का पावर 38 प्लस 2 का पावर 37, तो इसमें हाई ये 2 का घात 37, 36 है 37 है 38 है, तो न्यूनतम घात क्या है 2 का पावर 36, तो इधर से बचा 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0, हमने कॉमन ले लिया या 1 कॉमन ले लिया, ये 1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ 2 का पावर 37 कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 प्लस 1, तो ये दोनों में 1 जैसे हैं,
इसलिए कट जाएगा। अब 2 का पावर 36 और 2 का पावर 37 बचे, तो यानी 1/2 हो गया इसका। सवाल के लिए हम इससे इसकी वैल्यू निकाले, वाई प्लस जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू जीरो दिया हुआ है, और एक्स प्लस जेड इजकल टू वाई हो जाएगा माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा माइनस जेड। तो इस तरह से LHS में LHS बराबर क्या हो जाएगा, यह रखते हैं तो यह हो जाएगा माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में वाई जेड प्लस माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स जेड प्लस माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। अब LCM लेते हैं तो यह हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और एक एक्स और चाहिए तो एक्स क्यूब, इसी तरह यह वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और आप जानते हैं जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू जीरो हो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में एक्स वाई जेड होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन में यहाँ पे 3xyz होता है, तो ये 3xyz अपॉन में xyz, तो ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3 इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ABC में ABBC और AMPQR की ये और ये के समान है, तो सिद्ध कीजिए। पहले देखिए 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा है PQR। तो यहाँ पे हम दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं ABC और PQR। और क्या कह रहा है, ABBC और AM जो है माध्यिका, ये AM है, ये AM है, और यहाँ से माध्यिका गया तो ये हो जाएगा QN। तो कह रहा है ABBC और माध्यिका, ABBC और माध्यिका AM और PQ QR और माध्यिका QN, PQ QR और माध्यिका QN PM समान है। तो सिद्ध कीजिए ABM और PQN में, ABM और PQN में। अब देखिए ये माध्यिका दिया हुआ, इसमें देखिए दिया हुआ है ए, पहले त्रिभुज इसमें बात करते हैं ABM तथा त्रिभुज PQN में, AB बराबर में PQ दिया है, AM बराबर में PN ये भी दिया है। अब देखिए BM बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 और BC क्योंकि ये M मध्य बिंदु होता है BC का, तो 1/2 और BC किसके बराबर दिया हुआ है, QR के, QR, और ये जो होगा QR QN के बराबर में हो जाएगा। तो इस तरह से QN ये दोनों बराबर हो गए, तो यानी त्रिभुज ABM सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज PQN के किस तरह से
पी क्यू एन के बाई एस एस एस। यस, अब ये बराबर हो गया। तो अब देखिए दूसरा कह रहा है ए बी सी और पी क्यू आर में, तो इसका मतलब अब सी पी सी टी से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो यानी एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी पी क्यू आर में। तो ए बी दिया हुआ है पी क्यू के बराबर, और एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू अभी हमने निकाला है यहाँ पे, और बी सी इजकल टू क्यू आर। तो ये भी जो है सर्वांग सम हो गया भुजा कोण भुजा से, यानी त्रिभुज ए बी सी जो होगा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किस रूल से? साइड एंगल साइड रूल से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो पार्क में दो त्रिकोणीय फूलों की क्यारियाँ दी गई है, इन फूलों की क्यारियाँ इस तरह से दर्शाया गया है, ये दिया हुआ है। अब हमें सवाल में देखना है क्या फूलों की क्यारी ए बी सी फूलों की क्यारी पी क्यू आर में सर्वांगसम है, तो किस नियम से? तो देखिए सर्वांगसम के लिए ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एक भुजा, दूसरा 6 सेंटीमीटर और तीसरा 10 सेंटीमीटर। तो ये सर्वांगसम है, तो भुजा को भुजा 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 से भी ए बी सी और पी क्यू, तो त्रिभुज ए बी सी जो है एस 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 से भी हो सकता है, आर एच एस से भी हो सकता है, तो त्रिभुज सर्वांगसम है पी क्यू और पी क्यू आर के बराबर नहीं है। देखिए ए बी तो 8 सेंटीमीटर था, तो इसका 8 सेंटीमीटर पी क्यू है, और बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर इधर है, तो क्यू पी आर के बराबर होना चाहिए, क्यू पी आर में सर्वांगसम है, और किस नियम से? एस 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 से भी हो सकता है, या भुजा कोण भुजा से भी हो सकता है, आर एच एस से भी हो सकता है। अब कह रहा है यदि फूलों की क्यारी ए बी सी की परिधि पर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाया जाए, तो 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाया जाए, तो बाड़ लगाने में कितना खर्च होगा? तो यदि इसका परिमाप देखिए कितना होगा, 8 + 6 + 10, तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 14 + 10 = 24, 24 को 5 से गुना करेंगे तो 120 रुपये खर्च हो जाएगा, तो ये दूसरे का 120 रुपये आंसर। यदि फूलों की क्यारी ए बी सी में कोण ए 30 डिग्री है, कोण सी 60 डिग्री है, तो कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोण ए 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे पी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पी में देखिए ये खुद 90 डिग्री ऐसे बना हुआ है, तो 90 डिग्री ही दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। अब ये कह रहा है यदि फूलों की क्यारी पी क्यू आर में कोण पी 90 डिग्री है, कोण क्यू 70 डिग्री है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोण पी का मान 90 डिग्री है, कोण आर का मान निकालना है, कोण क्यू का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 180 में से 90 और 70 का जोड़ करके घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा 180 डिग्री - 9 = 16 डिग्री, यानी 20 डिग्री इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।